शहडोल जिले के धनपुरी थाने में फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करते हुए हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने सहित विद्वेषपूर्ण आशय से धार्मिक विश्वासों का अपमान करते हुए धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है, जिसे लेकर समस्त हिंदू समाज के लोगों ने विरोध जताते हुए मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई है और आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया है। दूसरी तरफ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन लोगों का आक्रोश कम होने का नाम नहीं ले रहा है और सख्त कार्यवाही की मांग की जा रही है। शिकायत पर पुलिस ने धनपुरी निवासी बैदुल कादिर के विरुद्ध आईपीसी की धारा 153A, 295A एवं आईटी एक्ट 66A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शिकायत में कहा गया है कि मंगलवार को सुबह करीब 10:23 पर फेसबुक पर हिंदू देवताओं पर यह अभद्र टिप्पणी व धमकी दी गई है। फेसबुक में किए गए पोस्ट का प्रिंटआउट भी पुलिस को उपलब्ध कराया गया है। बताया गया है कि बैदुल सातिर बदमाश अपराधी एवं असामाजिक व्यक्ति है, जो लगातार इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देता रहा है। पूर्व में भी इसके द्वारा कई बार हिंदू समाज पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज है। उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ कई थानों में बलात्कार जैसे गंभीर मामले भी दर्ज किए जा चुके हैं, जो विचाराधीन है। ऐसे असभ्य और सांप्रदायिक व्यक्ति को तत्काल गिरफ्तार करके देशद्रोह का मुकदमा कायम करने की मांग की गई है। इस घटना से समस्त हिंदू समाज आहत है और अपने आराध्य को गाली दिए जाने से आक्रोशित है। दूसरी ओर मामले की जानकारी लगते ही हिंदू समाज के कई संगठन के लोगों सहित जागरूक नगरवासी शहर के आजाद चौक में एकत्रित हो गए हैं, जहां उन्होंने विरोध प्रदर्शन व चक्का जाम करते हुए उक्त आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने की मांग की है। कई घंटों तक आजाद चौक में जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे और मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि आरोपी ने सोशल मीडिया फेसबुक पर स्थानीय सुप्रसिद्ध ज्वालामुखी एवं दुर्गा माँ को सीधी गाली देकर फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस की गिरफ्त में आए आरोपी ने बताया है कि उसकी आईडी को किसी ने हैक कर लिया है। पुलिस मामले में आईटी सेल से जांच कराकर आगे की कार्यवाही कर रही है। देवी देवताओं का अपमान नहीं सहेंगे। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे।